हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बस दो वीडियो दिखानी दिए और उसके बाद में कोई भी चार्ज देना हो, पैसे देना हो, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाता है। और एजुकेशन के साथ साथ में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंकिंग, SSC, कोई हिंदी मीडियम का बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, भाई आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई भी पैसे कहीं पे नहीं देना है। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको हर घर में फ्री एजुकेशन, बस यही लक्ष्य है एक हमारा। चलिए देखते हैं हम कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में शब्द रूपों में, सर्वनाम शब्द रूपों में अब हम किम के शब्द रूप पर आ चुके हैं। और किम का अर्थ होता है क्या, क्या या कौन, ठीक है। ये एक क्या हो गया, एक तो ये सिर्फ किम का अर्थ हो गया, लेकिन क्या के कई व्यापक अर्थ होते हैं। जैसे उसके साथ में अगर विभक्ति चिन्हों को जोड़ दिया जाए तो हमारा अर्थ बनता है कि क्या, कौन या किसने, किन दोनों ने किया, किन सब ने किया, ये किन सभी ने किया या किसने किया। अब एक नहीं हो सकते, बहुत सारे भी हो सकते। किसको देखा था तुमने, किन दोनों को देखा था, किन सबको देखा था, कौन सब जा रहे थे, ठीक है। अब किन सभी को देखा था तुमने, अब किसके द्वारा तुमने ये सीखा, किससे सुनी बात तुमने, अब ये हमने सीख आ गया। किसके लिए बन रहा है खाना आज, आज कौन आ रहा है, किसके लिए बन रहा है, ठीक। अब ये देखिए, वही किम के ही रूपों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ये चिन्ह सभी में जुड़ेंगे और इनके अर्थ निकलेंगे। किससे, किससे दूर गया वो, किससे गिरी, किसने गिराया, ठीक है। किससे यानी अलग, कहाँ से, ठीक है, किस से, कहाँ से। अब आए, अब कहते हैं किसका है ये किसकी पुस्तक रखी है, ये किसकी किताब है, ये किसका घर है। अब बड़ा घर देखो, अरे ये किसका घर है, ये किसकी दुकान है, बड़ी अच्छी लग रही है, ये किसकी साड़ी है, बड़ी सुंदर लग रही है, घर में बहुत सारे कपड़े रखे हो, एक लिखी हूँ, अरे ये किसकी साड़ी है, ये किसके कपड़े हैं, ये किसका बैग है, ये किसका पेंट है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये किसका लंच बॉक्स है, हम ले जा रहे हैं, ठीक है। तो काकी के भी हो सकता है, किस में रखा है, कहाँ पर रखा है, किस पर लगाऊं, मैं कहाँ पर लगाऊं, तो ये पर अभी आ गया उसी में, उसी प्रश्नवाचक शब्द में ये भी आ गया। तो अब इसको, इन सभी को संस्कृत में कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए किम ने कहा हमारे पास सब समस्याओं का हल है, ठीक है। सारी समस्याओं का हल कहाँ पे है, किम के पास है। यानी प्रश्नवाचक अगर कोई शब्द है उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, या आपके सामने संस्कृत लिखी हुई है उसका आप क्या अर्थ लगाएंगे, ये आपको शब्द रूपों के आज की वीडियो से पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले याद करने का तरीका देख लेते हैं। तो हमने आपसे कहा है कि बेसिक बालक और बालिका के रूप याद रख लीजिए। आपको बाकी के जितने भी शब्द रूप याद करने हैं तो उनके लिए बालक और बालिका के शब्द रूप कंठस्थ कर लीजिए, यानी कंठ में स्थित हो। कंठस्थ का मतलब क्या होता है, कंठ में स्थित, यानी कहा आपने बालक के रूप बता दिए, आपसे कहा आपने बालिका के रूप बता दिए। क्योंकि भाई मूल एक या दो, क्योंकि मैडम के याद करने से तो काम चलने वाला नहीं है कि हम याद कर लें या हमें याद बनी रहें, हैं हमें चाहे अकारांत की बनी रहें, चाहे हमें ऋकारांत की बनी रहें, चाहे हमें अकारांत उकारांत, कितने भी हमें रूप याद बनी रहें, लेकिन हमारे याद होने से अगर आपको याद हो जाता तो फिर तो काम ही बन जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, भोजन करना होता है तो खाना तो स्वयं को ही होता है, तभी पेट भरता है। सोचें कि भाई पड़ोस वाला अगर पड़ोस वाला चाउमीन बर्गर लेके आया और उसने खा लिया और सोचा कि तुम्हारे अंदर पेट में स्वाद आ जाए, तो वो स्वाद तुम्हारे पेट में नहीं आएगा, तुम्हारे मुंह में नहीं आएगा। पेट में तो वैसे ही स्वाद नहीं आता है, मुंह में ही आता है। जिभा हमारी होती है रसना, जिसको कहा जाता है, जो क्या करती है, रस का ग्रहण करती है, हर एक स्वाद को बताती है। तो भाई जैसे पड़ोसी के खाने से आपको स्वाद नहीं आया, ऐसे ही हमारे याद होने से आपको याद नहीं होने वाले हैं। उसका फल तो तभी मिलेगा जब आपको स्वयं याद होंगे। इसलिए आलस छोड़ के बालक और बालिका के याद कर लीजिए, ठीक है। अब याद अगर हो गए तो बालक के जैसे ही हमारे किम के शब्द रूप बनते हैं, ना के बराबर परिवर्तन होगा, ना के बराबर। तो देखिए याद करना शुरू कर लेते हैं कैसे होंगे। बालक प्रथमा विभक्ति में बना बालकः, द्वितीया में बना बालकम्,
तृतीया में बना बालकीन, चतुर्थी में बना बालकाय। अभी थोड़ा सा अगर देख रहे होंगे बच्चे तो खुद ही दिमाग लगा रहे होंगे कि देखो मैडम कह रही है तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं उसी जैसे। फिर हो गया बालकात। ऐसे थोड़ी लिंक बता दो तो हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं पढ़ने में। ऐसे बस थोड़ी सी समझा दिया जाए कि कहाँ से मिल रहे हैं, देखो चले जाओ वहाँ पर इस पते पर मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे। तो यही पता हम आपको बता रहे हैं जिससे कि याद जल्दी हो जाए आपको। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जादू। बाल हटाओ कह, बाल हटाओ कम, बाल हटाओ केन। बस ये सबसे अलग चलते हैं, एक ये चतुर्थी और एक ये सप्तमी, ये बिल्कुल अलग बनाते हैं। बस हर एक सर्वनाम शब्द रूप की ये कहानी है, चाहे तत् हो, चाहे एतत् हो, चाहे सर्व हो, चाहे कोई संख्या का रूप हो, चतुर्थी सप्तमी अपना रूप सबसे अलग बनाती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कस, यहाँ देखिए बाल हटाओ कात हो गया, बस इसमें एक चीज़ जोड़नी है, बालक हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे तो बालकाय ये हो गया कस में। ठीक है, अब यहाँ से ये आत फिर भी हमें मिल गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोड़ना है, क्या स्म, इसमें जोड़ देना है, ये हो जाएगा स्मात। यहाँ से बाल हटाओ ये हो गया कस्य। ठीक है, याद रखने सरल हो गया, बाल कह कह, बालकम कम, बालकीन कीन, बालकाय कहेंगे कस्मई, अलग। चतुर्थी विभक्ति ने कहा नहीं मुझे नहीं बनना किसी जैसे, मैं अलग बनूंगी। सप्तमी ने कहा तो तुम क्यों पीछे, हम भी पीछे। तो यहाँ से पंचमी को भी थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ा, तो क्या प्रभाव पड़ा कि बालकात होता है, उन्होंने कहा आत चलो बालक का ले लेते हैं, लेकिन इसमें अपना जोड़ लेंगे, कुछ अलग प्रभाव दिखाएंगे कि हम भाई सर्वनाम हैं। तो क्या हो गया कस्मात। ठीक है, बालकस्य षष्ठी सरल, उसने कहा कुछ नहीं हम तो जैसे के तैसे, बाल हटा दो कस्य षष्ठी बन गई। सप्तमी ने कहा नहीं हम भी अलग बनाएंगे, तो ये बालक ही बनता है, वहाँ हो गया कस्मिन। दो परिवर्तन देखे, बाकी के बालक जैसे रूप है, समस्या नहीं है। अब देखिए द्वितीय द्विवचन में आ जाइए, तो ये हो गया बाल कऊ, फिर कहा बाल कऊ, फिर कहा हमने बाल काभ्याम, फिर लिखा बाल काभ्याम, बाल काभ्याम, फिर कहा बाल कयो, बाल कयो, बाल कयो। बस करना क्या है, बाल हटा दो उसके, बाल हटा दीजिए, बस बाल हटा दीजिए, याद हो गए कऊ कऊ, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयो कयो। ठीक है, हो रहे बालक जैसे कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें प्रथमा विभक्ति का थोड़ा सा दिमाग चला, उनने कहा बाकी तो सब ठीक है, अभी तो बाल कह बिल्कुल इस जैसा बन गया, बाल को इस जैसा बन गया, लेकिन बहुवचन में हम परिवर्तन करेंगे, बालक हुआ बाल काह, लेकिन ये सबसे अलग बन गए के। एक ही मात्रा हर एक सर्वनाम शब्द रूप के प्रथमा के बहुवचन में आपको दिखेगी, तत् देखेगा ते, ए तत् देखेगा एते, सर्व देखेगा सर्वे, किम देखेगा के। ठीक है, माँ तो हट ही रहा है, माँ को तो जोड़ ही नहीं, इस क में ही, किम के क में ही परिवर्तन होगा जो होगा तो। ठीक है, तो ये हो गया कि ये अलग परिवर्तित रूप बना। फिर इसके बाद फिर बालक ने कहा अब नहीं चलने वाली, एक जगह चल गई चल गई, अब नहीं चलेगी आपकी। तो यहाँ हुआ बाल कई, यहाँ हुआ बाल के भ्य, बाल के भ्य, फिर बाल का नाम, और फिर हुआ बाल केशु। ठीक है, तो यहाँ देखिए बाल हटाया कान, बाल हटाया कई, बाल हटाया केभ्य केभ्य, यहाँ नाम की जगह पे आ गया श्याम, क्या आ गया श्याम, और वो भी कैसा क में एक ही मात्रा वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाल का नाम, लेकिन यहाँ ए शाम जुड़ जाता है हर एक सर्वनाम के रूप में, तो षष्ठी का परिवर्तित होता है, यानी प्रथमा में चतुर्थी और सप्तमी का बदलेगा, और बहुवचन में कौन सा प्रथमा और षष्ठी का बदलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा के शाम, यानी नाम की जगह पे शाम या शाम लगा दिया गया, तो ये इतना सा परिवर्तन दिख रहा है। ठीक है, या तो शाम लगा दिया जाएगा या
और शाम लगा दिया जाएगा, लेकिन वो कैसा, एक ही मात्रा वाला। तो के शाम, ते शाम, एते शाम, ठीक है, ये सारे हमारे ए शाम वाले सब सर्वनाम के शब्द रूपों में आते हैं। तो ले देखे, इतना परिवर्तन देखा केवल हमें चतुर्थी में, सप्तमी में, यहाँ पर बहुवचन में, और षष्ठी के प्रथमा के बहुवचन में, और षष्ठी के चार परिवर्तन के अलावा सब सारे हमारे कैसे बालक जैसे रूप बने। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई पुरलिंग का किस्सा। अब आते हैं स्त्रीलिंग पे। तो स्त्रीलिंग बिल्कुल बालिका का ही अपना बिल्कुल दूसरा रूप है, ठीक है, यानी जुड़वा। कैसा जुड़वा है अब देख लीजिए, ये हुई बालिका, तो बाली हटा दो तो का, फिर कहा बालिकाम, बाली हटा दो तो काम, फिर हो गया बालिकया, तो ये हो गया बाली हटा दो तो कया, फिर यहाँ बात कहेंगे इसकी चतुर्थी में तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन बस एक छोटा सा परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि ये सर्वनाम है तो सर्वनाम का सा इसमें आ जाएगा। ये हुआ बालिका यई, तो यहाँ पे यई के पहले सा आ जाएगा, तो हो जाएगा कस्यई, बालिका यई के स्थान पे क्या हो जाएगा, कस्यई, ठीक है, इतना सा, जबकि यई तो जैसा कहते हैं सा आया है, यहाँ होता है बालिका यई, तो यहाँ हो जाता है कस्यई। फिर यहाँ पे होगा हमारा बालिका याह, तो यहाँ पे बीच में सा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कस्याह, बड़े या की मात्रा को हटा करके, फिर बालिका याह तो कस्याह, फिर कहा बालिका याम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कस्याम, ठीक है, बस बड़े या की मात्रा के स्थान पे सा आ जाएगा चतुर्थी से। बालिका यही तो जाएगा कस्यई, कस्याह, कस्याह, कस्याम, ठीक है, बड़े या की मात्रा के स्थान पे सा लगा दीजिए और आपके बिल्कुल एक जैसे सर्वनाम के रूप हो गए। बाली हटा दो तो बिल्कुल स्त्रीलिंग के रूप हो गए। अब कहा बाली के, तो बाली हटाया के, बाली के, फिर कहा बालिकाभ्याम, तो वही यहाँ तो भ्याम वाला वही किस्सा है, एक ही जैसे बनते हैं, चाहे काभ्याम स्त्री पुरलिंग के देख लो, स्त्रीलिंग के देख लो, या नपुंसक लिंग के, बिल्कुल एक जैसे ही बनने हैं, ठीक है, अपन पुरलिंग की बात कर, स्त्रीलिंग की बात करें। बालिकाभ्याम, तो बाली हटाओ, काभ्याम, 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 यहाँ हुआ बालिकयो, बालिकयो, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा कयो, बाली हटा दो तो कयो, कयो, ठीक है। चले अब देख लेते हैं कहाँ पे बहुवचन की बात, तो बालिकाह, बाली हटा दो तो काह, फिर कहा बालिकाह, बाली हटा दो काह, बालिका भी, तो यहाँ पे बाली हटा दो का भी ही, फिर कहा बालिकाभ्यः, काभ्यः, तो यहाँ पे बाली हटा दो काभ्यः, बालिकाभ्यः, काभ्यः, फिर वही देखिए साम और शाम वाला यहाँ पर आएगा, बालिका होता है बालिका नाम, यहाँ हो जाएगा का साम, नाम के स्थान पे शाम, बाली हटा दो का नाम की जगह पे का साम, फिर कहा बालिकासु, तो यहाँ से बाली हटा दो तो कासु, ठीक है। बालिका के कोई परिवर्तन दिखा, नहीं दिखा, ना के बराबर बस एक सा का आगमन हुआ है इतना, और बाकी एक सा यहाँ पे आ गया, ना के स्थान पे सा आ गया, बस बाकी के पूरे हमारे किम के ऐसे ही। अब चलते हैं नपुंसक लिंग पे, तो नपुंसक लिंग तो बिल्कुल किसकी कॉपी करके बैठे होते हैं, पुरलिंग की, बस प्रथमा विभक्ति और द्वितीया के रूप हटा दो तो बाकी के सारे आपके पुरलिंग जैसे बनने हैं। किम के कानी, किम के कानी, इतना याद रख लिया तो बस बाकी की पूरी कहानी हो गई पुरलिंग जैसी, ठीक है। तो ये तो हो गए भाई आपके अर्थ। अब जरा इनके हम बता देते हैं आप, इन ये तो याद रखने वाली बात हो गई, अब चलते हैं हम इनके दिखाएंगे आपको क्या अर्थ, अर्थ क्या बनते हैं। तो भाई प्रथमा विभक्ति का व्यापक अर्थ होता है, कैसा होता है कि प्रथमा विभक्ति ने के साथ में भी अर्थ बताती है, यानी ने अगर जुड़ा हुआ होगा तो हम प्रथमा का प्रयोग करेंगे, या फिर सिर्फ अकेला लिखा हुआ हो, क्या, कौन, ठीक है, क्या, कौन, या फिर कहें
हम अगर जैसे मान लीजिए कि पुरलिंग के लिए प्रयोग हुआ है, अभी पुरलिंग की बात हो रही है, ठीक है, कहा कि यह क्या है, अब मान लीजिए तो वहाँ पे क्या है, पेड़ खड़ा है, उसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, कहा यह क्या है, मान लीजिए अब आपको ऐसे नहीं, हम माना कि एक्स वाली बात नहीं कर रहे हैं, माना कि एक्स है, ऐसा हम गणित की बात नहीं कर रहे हैं, चलिए हम आपको कुछ चीज़ें दिखाई देते हैं। अब आपसे पूछा गया यह क्या है, ठीक है, अब देखिए इसको दिखा दिया, अब हमने पूछा यह क्या है, ठीक है, अब ये देखिए चीजें दिखा देते, माना कि x क्यों करें, है ना, अब इसको देख के ये इसकी बात कर रहे हैं, यह क्या है, ठीक है, अब क्योंकि क्या शब्द तीनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है, किसके लिए हो सकता है, तीनों चीजों के लिए, पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है, नपुंसकलिंग के लिए भी, तो सिर्फ अभी यहाँ पे कोई आपको विभक्ति का चिन्ह नहीं दिख रहा है, ये विभक्ति के चिन्ह हम आप लिख रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति जहाँ पे लगेगी वहाँ पे ने दिखेगा आपको, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तब लगेगी जब को दिखेगा, तृतीय विभक्ति तब लगेगी जब से या के द्वारा लगा हुआ होगा किसी शब्द में, से या के द्वारा कभी किसी शब्द में होगा तो तृतीय लगेगी, के लिए लगा हुआ होगा तो चतुर्थी लगेगी, अलग होने वाला से होगा तो पंचमी दिखेगी, अगर काकी के दिखेगा तो हमारी वहाँ पर षष्ठी होगी, और मैं पर लगा हुआ होगा जिन शब्दों में उनमें सप्तमी लगेगी, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे क्या मैं तो हमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो अब हम बता देते हैं कि जो हमारी प्रथमा विभक्ति होती है ने के चिन्ह के साथ साथ में, अब ने कहा कहेंगे कौन सा चिन्ह कहाँ होता है कैसा होता है, तो कहेंगे लड़की ने, लड़की ने किताब पढ़ी, किस ने किया, तो ने तो होता ही है, तो ने जहाँ होता है वहाँ तो आंखें बंद करके आप तृतीया लगा दे, प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए, लेकिन साथ साथ में प्रथमा विभक्ति पहचान के लिए भी प्रयुक्त होती है, यानी जिसमें कोई विभक्ति चिन्ह ना हो उसमें प्रथमा आप लगा देंगे, तो यहाँ पे जो क्या है उसमें क्या लगी है, उसमें हम प्रथमा लगाएंगे, क्या और कौन कहाँ से मिलता है, हमें किम से मिलता है, क्योंकि ये जो पेड़ है इसको संस्कृत में वृक्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वृक्ष, और वृक्ष पुरलिंग होता है, ये जो चिड़िया बैठी हुई है ये इसको क्या कहा जाता है, चटका कहा जाता है, और चटका कौन होती है, स्त्रीलिंग होती है, ये हमारा जो पत्ता है इसको पत्र भी कहते हैं, पर्ण भी कहते हैं, ये हमारा नपुंसक लिंग होता है, तो पुरलिंग के लिए क्या, स्त्रीलिंग के लिए क्या, और नपुंसक लिंग के लिए क्या, तो इन सभी को कैसा बताया जाएगा, बोले प्रथमा विभक्ति से बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या के साथ में कोई भी विभक्ति का चिन्ह नहीं जुड़ा है, लेकिन ये पहचान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे क्या के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे, प्रथमा का, क्योंकि ये एक वचन है तो एक वचन का आ जाएगा कह, यहाँ पे चिड़िया एक है लेकिन ये स्त्रीलिंग है तो इसके लिए प्रथमा का हम कौन सा लेंगे, स्त्रीलिंग वाला एक वचन का प्रथमा विभक्ति का रूप लेंगे, हम कहेंगे का, और अब ये पत्ता नपुंसक लिंग है तो इसके लिए जो प्रयुक्त होगा वो हो जाएगा किम, ठीक है, अब यहाँ पे यह का हम रूप बनाए दे रहे हैं, एषः एषा, तत् के हमने याद करवाए हैं, उसी के संग में देख लीजिएगा हमने बताए थे कि तत् और एतत् की एक जैसे होते हैं, ये हो जाएगा एतत्, ठीक है, और ये हमने लिख दिया लीजिए अस्ति, फिर ये हो गया अस्ति, क्योंकि एक ही है तो अस्ति आ रहा है, ठीक है, अभी हमें लेकिन किम के रूप प्रयुक्त बताने हैं, इसीलिए हम बाकी चीज़ों पे इतना हम आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार चीज़ें हम बता चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताइए, ठीक है, लीजिए तो ये कह का किम आपने प्रयुक्त कर लिया, अब मान लीजिए नहीं मानना कहेंगे हमें तो दिखाओ आप, हम दिखाई भी देते हैं, नहीं आपको मानना नहीं बता रहे हैं, हम आपको दिखा ही देते हैं, दिखाएं, अभी यहाँ पे एक थी तो हमने क्या प्रयुक्त किया, किम का और कह का, इनका प्रयोग किया, अब मान लीजिए कि ये है हमारे पास दो पेड़, क्या है ये, दो पेड़, यहाँ पे एक और चिड़िया बैठी है पीछे, ठीक है,
एक बहन इसकी और बैठी है, यहाँ एक पत्ता और है, ठीक है, ये दो पत्ते हैं। तो कहेंगे यह ये दोनों क्या हैं, अभी हम क्या कहेंगे, ये दो क्या हैं, ये दो क्या हैं, ये दो क्या हैं। हिंदी में एक ही जैसे दिख रहे हैं लेकिन संस्कृत में सबका अलग अलग अर्थ बनेगा, क्योंकि ये दो वृक्ष हैं, वृक्ष पुरलिंग होता है। तो अब हम ये दो के लिए तो हम क्या कहेंगे, एतौ, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, अब ये क्या किसके लिए आ रहा है, दो के लिए, तो क्या का दो क्या बनेगा यहाँ पे, कौ, एतौ कौ। अब यहाँ पे दो क्या है लेकिन स्त्रीलिंग है, तो क्या आ जाएगा, के, तो हम कहेंगे एते के। अब कहेंगे दो क्या है, ये पत्ते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नपुंसक लिंग के लिए, तो ये जाएगा के, तो हम यहाँ पे कहेंगे एते के, ठीक है, अस्ति अस्ति हम अलग लगा देंगे, समझ गए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दो नहीं हैं, ये तो बहुत सारे हैं, कैसे हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं बैठी है, बहुत तीन चार बैठी हैं, तीन चार बैठी हैं एक साथ में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये सभी चीज़ें बहुवचन में आ जाती हैं तो फिर यहाँ पे रूप क्या होगा, तो हम प्रश्न कैसे पूछते हैं कि ये क्या है, फिर यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है, इसी तरह से पूछेंगे, और फिर यहाँ पर भी कहेंगे कि ये क्या है। अब लेकिन एक ही हम हिंदी में तो एक ही तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिंग परिवर्तन हो रहा है, ये पुरलिंग हो रहा है, ये स्त्रीलिंग हो रहा है, ये नपुंसक लिंग हो रहे हैं, तो फिर ये तो हमारा क्या बनेगा, कहेंगे पुरलिंग के लिए यह शब्द क्या बनता है, एषः एतौ एते, तो यहाँ हम कहेंगे एते, ठीक है। पुरलिंग वाला हमारा क्या आएगा, पुरलिंग के जो अभी हमने शब्द रूप याद किए वो क्या किए, कह कौ के, तो यहाँ हम कहेंगे एते के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गए हैं, यहाँ पे पहचान पूछी जा रही है कि ये है क्या और कितने हैं, पुरलिंग में है और बहुवचन में है, तो पुरलिंग बहुवचन के लिए के आ गया। अब यहीं पे देखिए ये हमारी कौन है, चिड़ियाएं हैं, स्त्रीलिंग है, और ये कैसी हैं, बहुवचन में है, तो फिर हम बहुवचन के रूप याद रखेंगे, तो कहेंगे का के काह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एताह, और एते के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सभी बहुवचन हो जाएंगे, तो ये हमारा द्विवचन का रूप था, ये किसका था, द्विवचन का, यहाँ बन जाएगा हमारा एताह और हम कहेंगे काह, ठीक है। अब यहाँ पे ये पत्ते हैं, ये नपुंसक लिंग है लेकिन बहुत सारे हैं, पहचान पूछे जा रही कि ये क्या है, तो आप कहेंगे एतानी एतानी कानी, ठीक है। तो ये आप समझना चाहे आप समझिए कि हम अपने किम के शब्द रूपों को हर एक लिंग के लिए किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं, तो ये तो हो गई पहचान वाली बात। अब कहते हैं कि ठीक है समझ गए, अब कहें कि किसने किया, अब हो सकता है कि अगर बालक के लिए पूछा जा रहा हो कि किसने किया, किन दोनों ने किया, किन ने किया, अब यहाँ पे स्त्री हमारा पुरलिंग के लिए आता है, तो हम किसने शब्द के लिए भी अपनी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हम कहेंगे कि किसने देखा, किसने पढ़ा, किसने खाया, तो किसने शब्द, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का चिन्ह नी होता है, तो इस क्या में हम नी का अर्थ जोड़ेंगे, तो क्या ने नहीं कहेंगे, कौन ने नहीं कहेंगे, हम कहेंगे किसने। तो ये जो क्या और कौन होता है उसी का हम हिंदी में हमारा क्या बनता है रूप, हम कहते हैं किस लगा देते हैं, कहते हैं किस ने, फिर कह देंगे ने, फिर कह देंगे, अब क्योंकि द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है तो कम का अर्थ निकलेगा किस को, कौन को नहीं कहेंगे, कहेंगे किस को। फिर हमारा देखिए तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से और के द्वारा, ठीक है। फिर इस तो अब इसका अर्थ क्या निकलेगा हमारा कि किस से या किसके द्वारा, ठीक है, किस से या के द्वारा। अब देखते हैं हम चतुर्थी विभक्ति जो होती है वो किसके लिए होती है, के लिए का अर्थ बताती है। चतुर्थी विभक्ति की जितने भी शब्द रूप होंगे वो के लिए का अर्थ जोड़ेंगे, क्योंकि ये भाई किसका कारक होता है, किसका चिन्ह होता है इसमें, संप्रदान कारक, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है और संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति में के लिए का अर्थ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कस्मै का अर्थ निकलेगा, यहाँ के द्वारा हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ अर्थ हो जाएगा किस के लिए, किसके लिए भोजन बनाया, किसके लिए खाना बनाया,
किसके लिए ये कविता याद की जा रही है? आप कहेंगे 15 अगस्त के लिए। ठीक है, अब कहा पंचमी विभक्ति से यानी अलग होने वाली, ठीक है, तो यहां आ जाएगा अर्थ किस से। ठीक है, अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति जो है वो चिन्ह दिखाती है का, की और के का, अर्थ आ जाएगा किसका, किसकी या किसके। अब सप्तमी विभक्ति जो होती है वो मैं और पर का अर्थ जोड़ देती है। सप्तमी विभक्ति मैं पर का अर्थ जोड़ देती, तो यहाँ पर अर्थ बन जाएगा कस्मिन का, कि किस में और किस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये चिन्ह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, चाहे वो पुरलिंग में रूप बनाए, चाहे स्त्रीलिंग में बनाए, चाहे हमारे नपुंसक लिंग में बनाए, अर्थ उनका ये ही निकलना है कि किसने किसने लिखा, किन दोनों ने लिखा, किन सब ने लिखा, किसको दिया, किन दोनों को दिया, किन सबको देखा। अब कहा कि उसने देखा, तो आप कहोगे किसको देखा, कहेंगे राम ने देखा, किसको देखा, तो कहेंगे सीता को देखा, सीता कर्म हो गए। लेकिन किसको अगर हमें प्रश्न में मिल रहा है तो उसका अर्थ हम क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। अब कहेंगे किसके, राम ने रावण को मारा, लेकिन किसके द्वारा मारा, तो कहेंगे बाण के द्वारा, तो किसके द्वारा अर्थ निकलेगा, केन से। कस्मै, किसके लिए भोजन मनाया, तो कहेंगे कस्मै। अब कहेंगे किससे अलग हुए, राम किससे अलग हुए, सीता से अलग हुए, तो कहेंगे कस्मात। फिर कहेंगे कस्य, अयोध्या किसकी है, तो कस्य अयोध्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्य शब्द लगा देंगे क्योंकि किसका अर्थ निकल रहा है। कस्मिन, किसमें रहते हैं, किस पर रहते हैं, मैं कहाँ पर रहता हूँ, तो कस्मिन मैं पर का अर्थ जुड़ जाएगा। वैसे तो जो किसमें और किस पर आता है कस्मिन से, और कहाँ का जो अर्थ होता है वो कुत्र से लगता है, ये एक हमारा क्या होता है, अव्यय होता है। कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, ठीक है, तो ये अगर कहाँ का अर्थ आ जाता है तो हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक शब्द हैं तो हम आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन कहें किस में रखा था, बताइए जो पुस्तक है कहाँ रखी थी, किस पर रखी थी, तो कहेंगे कहाँ कहेंगे तो कुत्र लगा देंगे, लेकिन किस में रखी थी तो आ जाएगा कस्मिन। किस पर रखी थी, भाई काष्ठ पीठिका पर रखी हुई थी, बेंच पर रखी हुई थी, तो उसको क्या कहेंगे, कस्मिन। समझ गए, मैं पर का अर्थ बताना हो तो कस्मिन। अब जैसा लिंग है वैसी हम वैसा हम शब्द का प्रयोग कर देंगे, कि अगर भाई पुरलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है तो पुरलिंग के भाई हम रूप लगा देंगे, स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है तो स्त्रीलिंग के लिए लगा देंगे, नपुंसक लिंग के लिए हो रहा है तो नपुंसक लिंग के लिए लगा देंगे, अर्थ इनका यही निकलने वाला है। ठीक है, प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, पुरलिंगवाची के लिए पूछा जा रहा है कि किसने लिखा, किसने पढ़ा, तो किसने लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कह। दो लिख रहे हैं तो आप किसका लगाएंगे, भाई पुरलिंग की देख लीजिए, एक बार जल्दी जल्दी हम प्रयोग करके बता दे रहे हैं, किसने लिखा हुआ हो तो कह लिखेंगे, किसको लिखा हुआ हो तो हम कम लिखेंगे, क्योंकि को का चिन्ह कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति में। किसको देखा, किसको देखा, कहेंगे हमने उस लड़की को देखा, उस लड़के को देखा, तो कम। किसके द्वारा देखा, बोले आंखों के द्वारा देखा, तो आ जाएगा केन। ठीक है, किसके लिए भोजन मनाया, कस्मै। अगर उत्तर में हमारा क्या आता है, अगर उत्तर जो है वो पुरलिंगवाची होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पुरलिंग का करते हैं। स्त्रीलिंग का उत्तर आना होता है तो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किस से अलग हुआ, तो लिख देंगे कस्मात। किसका घर है, किसी लड़के का घर, हमें पता है कि उत्तर आने वाला है, तो किसका घर है, तो कस्य। और इसमें एक और बात होती है कि जब हम प्रश्न पूछ रहे हों और हमें ये ज्ञात ही ना हो कि उत्तर पुरलिंग में आने वाला है या स्त्रीलिंग में, तब फिर नपुंसक लिंग का प्रयोग कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि नपुंसक लिंग जो है वो तृतीया से सप्तमी तक तो पुरलिंग जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो हम कस्मिन शब्द लगा देंगे, किस में रखा था, वैसे कहाँ, किस में रखे थे, किस पर रखे थे, तो ठीक है, तो कस्मिन शब्द का प्रयोग आ गया। तो ये हमने आपको अर्थ बता दिए, क्योंकि शब्द रूप भाई याद कीजिए, बिना अर्थ के याद मत कीजिए, क्योंकि फिर बिना शब्द रूप अगर आपने इस तरह से याद कर लिए, केवल रट लिए, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। छठवीं कक्षा से रटते ही चले आ रहे हैं, अभी तक रटते ही हैं, कोई मतलब नहीं है रटने से। अर्थ समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, याद भी होने लगेंगी चीज़ें उनका जब तक, और जब प्रयोग करेंगे तो और भी समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने चित्र बनाए वैसे ही आप पुरलिंग के बना लीजिए, स्त्रीलिंग के बना लीजिए, नपुंसक लिंग के कुछ चित्र बना लीजिए, और उन्हीं में हर एक विभक्ति का चिन्ह लगाइए कि किस पर रखा है, किसको देखा, किसको पढ़ा,
किसके द्वारा पढ़ा, किसके लिए पढ़ा, भाई उसमें आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछिए और उत्तर लगाइए। उत्तर में पुरलिंग आ रहा हो तो पुरलिंग के रूप लगाइए, स्त्रीलिंग आ रहा हो तो स्त्रीलिंग लगाइए, जब कुछ पता ही ना हो तो नपुंसक लिंग की लगा दीजिए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके किम के शब्द रूप पूरे। ये सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, आपकी एप्लीकेशन पे मिलेंगे और वेबसाइट पे, सब जगह मिलने वाले हैं। देखिए यूट्यूब पे तो प्लेलिस्ट बनी चुकी है आपकी, आप वेबसाइट पे जाएंगे और एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कोई पैसे नहीं देना है, वेबसाइट पे जाने के लिए भी कोई फीस नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 100% फ्री है एजुकेशन, क्योंकि बच्चों को लगता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो हमें फीस पे ना करना हो, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारी कैसी होती जा रही है, पेड होती जा रही है। वहाँ पर भी आपको हर एक चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, तो लेकिन मैग्नेट प्रिंस पे ऐसा नहीं है। हर एक तैयारी देखिए, चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर एक चीज़ कैसी है आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट पे कैसे जाएंगे, आप लिखेंगे magnetbrains.com, एंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो गया। ऐसे ही एप्लीकेशन का भी पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज जो लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश हिंदी मीडियम, IIT, JEE, नीट, सारी चीज़ें, कितने आपको फीस देनी पड़ती, नहीं देना है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में गए, क्लास 11th को देखा, 11th क्लास के यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाती है। संस्कृत में भाषवती पूरी हो चुकी है। व्याकरण पर हम आते हैं और व्याकरण का पेज खुल जाएगा। यहाँ देखेंगे संधि, प्रत्यय, शब्द रूप, सारे वीडियोस की लिस्ट आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। अब आप जिस जहाँ पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए संधि क्लिक की, तो यहाँ पे आपको 22 लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, 22 लेक्चर आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से संधि हमें करवाई जा रही हैं। आप क्लिक कीजिए, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा ये ऐसे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वीडियो तो YouTube पर भी मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वेबसाइट और एप्लीकेशन की ये होती है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी क्लास के लिए कौन कौन सी व्याकरण की चीज़ें हम करवा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि सिलेबस से भी और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको चीज़ें दे पाएँ जो कि आपकी NCERT में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली हैं। NCERT पढ़ाते समय भाषवती पढ़ाएं, अब हम शाश्वती पढ़ाएंगे, तो उन सभी में कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें आई हैं उन सभी का समावेश हम करने की प्रयास करते हैं आपकी व्याकरण के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी कुछ हम अपने सर्वनाम के शब्द रूपों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।